गुड आफ्टरनून। और आज मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। मैं कल वैसे तो जी बिजनेस पे पूरा दिन रहूंगा ही। कल बहुत बड़ा दिन है इंडिया के लिए और इंडियन इकोनॉमी के लिए। और मोदी 3.0 का पहला बजट, इनफैक्ट 5 साल में ये एक बजट आता है जो कि इलेक्शंस के बाद जुलाई के महीने में या जून के महीने में जनरली होता है, और वैसे हर साल फरवरी में होता है। तो इस बार फरवरी में भी इंटरिम बजट था, वहां पे भी बढ़िया ही कुछ चीजें अनाउंस हुई थी। फिर उसके बाद हमने देखा इलेक्शंस वाले दिन किस तरीके की वॉलिटिलिटी हुई इलेक्शन के रिजल्ट्स के बाद। और उसके बाद ये एक बड़ा इवेंट है जिस पे पूरे मार्केट की नजरें बनेंगी और हम भी पूरी नजरें बनाए हुए। और इसीलिए #BudgetOnZee, मैं इनफैक्ट थोड़ी देर में मेरी फ्लाइट है, मैं निकलूंगा भी और वहां स्टूडियो से 2 दिन आप लोगों के साथ रहूंगा। और वहां पे हम स्टॉक्स बताएंगे किस तरीके से अनाउंसमेंट्स आते हैं। बट उसके पहले मैंने सोचा कि मैं निकलने के पहले एक बजट 2025 के एक्सपेक्टेशंस के ऊपर कुछ किया जाए। और इसलिए हमारी रिसर्च टीम ने, ट्रेडशिप रिसर्च टीम ने एक बेहतरीन प्रेजेंटेशन बनाया और अलग अलग थीम्स के ऊपर बात किया। देखिए डायरेक्ट टैक्सेस के लिए तो सारी चारों तरफ ही चर्चा हो रही है, उसको मैंने इसमें इंक्लूड वैसे नहीं किया। बट डिडक्शंस मुझे लगता है कि 80C, 80D इन सब में थोड़ा इंक्रीमेंट होना चाहिए। दूसरा, स्टैंडर्ड डिडक्शंस में इंक्रीमेंट होना चाहिए, ऐसी लोगों की उम्मीद भी और ऐसा लगता भी है कि जिस तरीके से इन्फ्लेशन हुआ है, पोस्ट कोरोना जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है, इन सबको देखते हुए अभी भी मतलब जो सैलरीड क्लास है उनके हाथों में बहुत कुछ बचता नहीं है। और एग्जेम्पशंस मुझे लगता है इनकम टैक्स की जो लिमिट है उसको भी बढ़ाएंगे, स्लैब्स को भी। सो ओवरऑल फिंगर्स क्रॉस। और कुछ कैपिटल मार्केट्स को लेकर, कुछ जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में जो इतनी वॉल्यूम्स आ रहे हैं ऑप्शंस में, तो हो सकता है कि कुछ ना कुछ यहाँ पे भी अनाउंसमेंट्स आए कुछ एसटीटी को लेकर। या बट एनीवेज मुझे ऐसा लगता है कि कुछ पॉपुलिस्टिक मेजर्स भी आएंगे और कुछ अननेसेसरीली सरकार करेगी नहीं इस बजट में, क्योंकि जो एक मोमेंटम बना हुआ है मार्केट्स में भी, मोमेंटम बना हुआ है इकोनॉमी में, और मोमेंटम को बेहतर करने के लिए हम सोचते हैं कि मार्केट्स में या सरकार कुछ ना कुछ फोकस और ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ और सस्टेनेबिलिटी पे करेगी। तो उसी तर्ज पे हम ये देख रहे हैं कि ये प्रेजेंटेशन जो हमने बनाया है, तो जो सरकार का कमिटमेंट है सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ और एक सोशल वेलफेयर का ऐड होगा, क्योंकि पॉपुलिस्टिक मेजर्स लेंगे इस बार ऐसा लगता है जिस तरीके के इलेक्शन में रिजल्ट्स आए और उसके बाद जो थोड़ी बहुत जो अब उम्मीद बनी है। और ओवरऑल वैसे तो कर ही रहे थे, बट रूरल इंडिया के ऊपर और बाकी पॉपुलिस्टिक मेजर्स और फोकस में आएंगे। तो हम चलते हैं एक बार, पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट है कैपेक्स, जो इंफ्रा का कैपेक्स है उसके ऊपर मार्केट बहुत बड़ा थम्स अप देता है। और पिछली बार भी बजट में 11.11 लाख करोड़, और उसके पहले 10 लाख करोड़, उसके पहले 7 लाख करोड़, हर बार ये कैपेक्स बढ़ते जा रहे हो। रोड्स मुझे बहुत जबरदस्त लगते हैं, रोड्स का सेगमेंट, पावर, यहाँ पे रोड्स एंड पावर में कुछ ना कुछ होगा। अर्बन डेवलपमेंट, रेलवे की हम बात करें, देख ही रहे हैं किस तरीके से रेलवे स्टॉक्स बढ़ रहे हैं, कैसे अर्बन रिलेटेड स्टॉक्स बढ़ रहे हैं, और ओवरऑल रोड्स रोड्स की कंपनियां बढ़िया कर रही है। और मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि बजट के पहले रोड्स वाली कंपनी, एग्री थीम्स वाली कंपनियां, इन सबको हम काफी बार रिकमेंड भी करते ही हैं। दूसरा ऐसा लग रहा है कि मॉडर्नाइजेशन और इंडियनाइजेशन, जो हमारे डिफेंस की जो बात चल रही है, डिफेंस सेक्टर ऑलरेडी काफी तेज हो चुका है और काफी लोगों को लगता है काफी महंगा भी है। ठीक है, महंगा है बट साथ साथ ग्रोथ भी दे रही है। और आप जिस तरीके की इनकी ऑर्डर बुक पोजिशन है और जो एक एंट्री बैरियर्स है इस पर्टिकुलर सेगमेंट में, हर कोई नहीं आता है, कोई भी प्राइवेट सेक्टर का प्लेयर इतनी जल्दी आके डिफेंस में नहीं खेल सकता है या अपना पेट जमा सकता है। तो उसी तर्ज पे मुझे लगता है ये जितनी भी डिफेंस कंपनीज है भारत की, जो काफी सालों का आप देखिए 10 से 15 साल बाद ये सब के सब एक साथ निकले हैं तेजी की तरफ, तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा ओवरडन हो गया है। ऊपर के लेवल्स पे भी हम देख रहे हैं, चार्ट्स पे भी देखते हैं तो कंसोलिडेशन हो रहा है, क्योंकि ऑर्डर बुक बहुत बढ़िया है। आगे जो एक्सपोर्ट्स की डिमांड आने वाली है वो बहुत बढ़िया लग रही है। तो डिफेंस सेक्टर मुझे लगता है कि यहाँ पे वापस से, पहले भी काफी बजट एलोकेट किया गया है और यहाँ पे और बजट एलोकेट किया जाएगा। सेल्फ रिलायंस के ऊपर ऑलरेडी काफी हम लोग इतना फोकस कर चुके हैं कि अब जो डिफेंस के हम इम्पोर्टर रहते थे, अब एक्सपोर्टर की तरफ ट्रांजिशन हो रहा है भारत का, और एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करेगी सरकार, ऐसा मेरा मानना है। फिर मॉडर्नाइजेशन, मतलब आप देखिए किस तरीके से बजट इसमें अनाउंस हो सकता है, आर्म फोर्सेस और एक्विजिशन ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी एंड इंडिजनाइजेशन एफर्ट्स, तो ये सारी चीजें हैं। और कुछ ऐसा लगता है कि फोकस रहेगा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज और बढ़ाने में, और जो फॉरेन एक्सपोर्ट्स है, उस इम्पोर्ट्स है जो मैंने पहले भी बोला, वहां पे रिड्यूस हो ही रहा है और एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने की पूरी कोशिश करेगी सरकार। ग्रीन इनिशिएटिव्स एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ये तो एक ऑलरेडी काफी
हॉट सेक्टर है, मतलब मोदी 2.2 में भी, हमने 2.0 में भी देखा, मोदी 3.0 में भी, रिन्यूएबल एनर्जी, ईवीज, ये सब देख ही रहे हैं, पंचामृत गोल्स देखे, एक बेहतरीन नाम दिया गया है। यहाँ पे सरकार नॉन फॉसिल फ्यूल के ऊपर जबरदस्त फोकस कर रही है, और यहाँ पे अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट्स भी आएगा। ग्रीन हाइड्रोजन, ये नेक्स्ट बिग थिंग होने वाली है। रिन्यूएबल एनर्जी पे ऑलरेडी काफी सारे स्कीम्स और काफी सारे पॉलिसीज बन चुकी है, तो यहाँ पे भी और लगता है कि आने वाले दिनों में और कुछ सरकार इस बजट में भी अनाउंसमेंट्स करेंगी, और इस पे मैं बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगी, ऑलरेडी काफी ऑलरेडी डिस्कस टॉपिक है। जब भी ईवी की बात आती है, सस्टेनेबल एनर्जीज की बात आती है, ऑल्टरनेट एनर्जीज की बात आती है, तो ऑलरेडी काफी कुछ हो चुका है। फार्मर को सपोर्ट, ये जो मैं पॉपुलिस्टिक मेजर्स की बात कर रहा था, और फार्मर देखिए, इंडिया की एग्रीरियन इकोनॉमी है इंडिया एक तरीके से, और एग्री इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए और एग्री जीडीपी को बढ़ाने के लिए सरकार यहाँ पे काफी कुछ करती आई है, और इस बार और कुछ करेगी, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा हमारी टीम का मानना है। तो फार्मर्स को सपोर्ट देने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है एमएसपी, जो कि अब बहुत जरूरी है। आप देखिए, जमीनों के भाव बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो यील्ड पर एकरेज काफी बढ़ना जरूरी है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे एमएसपी बढ़ाएंगे, काफी बढ़ाते भी आए हैं और आगे भी बढ़ाना जरूरी है। फिर पीएम किसान सम्मान निधि, ये एक और इम्पोर्टेंट है, जो सरकार डायरेक्ट इनकम सपोर्ट दे रही है फार्मर्स को, विच इज अगेन, यहाँ पे भी और मजबूती लाई जाएगी इस पॉलिसी में। एग्री का इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि वेयर हाउसिंग है, या इरिगेशन है, या स्टोरेज है, इन सब के ऊपर और फोकस किया जा रहा है, और भी बढ़ाए जाएंगे। ऑलरेडी काफी हमने देखा लॉजिस्टिक्स को लेकर, या वेयर हाउसिंग को लेकर, एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर सरकार ऑलरेडी काफी कुछ पास बजट्स में भी किया है, बट येट ऐसा लगता है कि वी हैव टू कैच अप एज कंपेयर टू द एडवांस्ड कंट्रीज लाइक इजराइल। इन अफोर्डेबल हाउसिंग, ये एक और गजब की इनिशिएटिव है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस सेक्टर से बहुत सारे सेक्टर्स रिलेटेड है, कम से कम भी मुझे ऐसा लगता है कि 150-200 और एंसिलरी सेक्टर्स रिलेटेड होंगे। अगर आप इस सेक्टर की बात करते हैं, तो बिल्डिंग मटेरियल्स भी आ जाता है, तो सीमेंट भी आ जाता है, सारी चीजें आती है, तो अफोर्डेबल हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट, ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। और पी में, जो कि हम फर्स्ट देख रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना, यहाँ पे अंडर प्रिविलेज लोगों को हाउसिंग के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है, और एलोकेशन यहाँ पे बढ़ाते हैं। हाउसिंग लोन्स, यस, हाउसिंग लोन्स की अब देखिए रेट्स जब बढ़ रही है, तो हाउसिंग लोन्स थोड़े बहुत महंगे लगने लगे हैं, बट ये मैं नहीं बोल रहा कि इस बजट में कोई हाउसिंग लोन की रेट्स को लेकर अनाउंसमेंट होगा, बट ऐसा लगता है कि ये जो पीमे में, या जो अफोर्डेबल हाउसिंग में, इन लोगों की जो सब्सिडीज है, इनको और एक्सेसिबल बनाएंगे, दैट इज आवर एक्सपेक्टेशन। सैटेलाइट टाउनशिप्स, जो कि जनरली डेवलपमेंट ऑफ फंडिंग फॉर द डेवलपमेंट ऑफ न्यू सैटेलाइट टाउनशिप्स नियर मेट्रोज, जो कंजेशन हो रहा है मेट्रोज में, जो बड़े शहरों में कंजेशन हो रहा है, तो दूर दूर सैटेलाइट टाउन बना के वहां पे डेवलपमेंट करेंगे, सो दैट इजियर रहेगा। और जॉब क्रिएशन अंडर थ्रू पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो एम्प्लॉयमेंट और एक एम्प्लॉयबिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और मुझे ऐसा लगता है कि सरकार यहाँ पे इस चीज पे पूरी फोकस देगी कि जॉब क्रिएशन कैसे किया जाए, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे ज्यादा फोकस करे, पब्लिक वेलफेयर पे करेंगी, ऑलरेडी हमने थोड़ी देर पहले अभी बातचीत की है, तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट, और रूरल एरियाज में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करना बहुत जरूरी है। लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स, वहां पे पीएलआई स्कीम हम देख रहे हैं, ऑलरेडी काफी एग्रेसिवली पुश किया गया है, और काफी कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां काफी फायदा भी उठाई हैं, तो ऐसा लगता है कि लेबर इंटेंसिव जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स है, टेक्सटाइल्स है, अप्रेल्स है, एमएसएमई जो है, इन सबको फिस्कल इंसेंटिव दिए जाएंगे थ्रू पीएलआई स्कीम। फिर क्रेडिट प्रोग्राम्स, जो कि मुद्रा लोन्स, ऑलरेडी अनाउंसमेंट बजट में ही हुआ था, मैं कौन से बजट में वो मुझे याद नहीं आ रहा, बट काफी एग्रेसिवली इसको एक्सपैंड और करेंगे, सरकार करती आई है। और स्टार्टअप्स को सपोर्ट करना, जो स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम, और ऑलरेडी इंडियंस स्टार्टअप्स में काफी अच्छा अपना नाम बना चुके, और आगे भी मुझे ऐसा लगता है सरकार का जिस तरीके का फोकस है स्टार्टअप्स को और मोटिवेट करने में, यूथ्स को मोटिवेट करने में, तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ बड़े अनाउंसमेंट्स आ सकते हैं। काफी सारे सेक्टर्स की हमने बात की, काफी सारे थीम्स की हमने बात की, और इसमें अगर हम एक बार अगर देखें, तो मैं जो भी यहाँ पे लिस्टेड कंपनीज का नाम ले रहा हूँ या दे रहा हूँ, ये कोई जरूरी नहीं है कि हमारे लिस्ट में वैसे इंक्लूड हुए हुए हो या हमारे रिकमेंडेशन हो, जस्ट दैट कि हमने कुछ एग्जाम्पल्स ऑफ लिस्टेड कंपनीज डाले हैं, कवर करने की कोशिश की है, लोगों को एक आइडिया लगे। तो इंफ्रा कैपेक्स में रेलवेज, पावर, सीमेंट, कंस्ट्रक्शन, इंफ्रा स्टील, ये सब की हमने बात की, ये सेक्टर्स को फायदा मिलता है।
तो लिस्टेड कंपनीज का नाम भी हमने लिखा हुआ है, मैं रिपीट नहीं करूंगा, बहुत लंबी लिस्ट है। फिर मॉडर्नाइजेशन और इंडियनाइजेशन इन डिफेंस की अगर बात करें, तो ऑलरेडी डिफेंस के तो सारे स्टॉक्स रॉकेट हो ही चुके हैं, और भी आगे नहीं होगा ऐसा नहीं माना जा सकता है, हो सकता है ऐसा मेरा मानना है। तो हमने देखा मिधानी है, जीआरएसी है, एचएल हल, कोचिन शिपयार्ड, ये सब बहुत बढ़िया कर रहे हैं और आगे भी बढ़िया कर सकते हैं। ग्रीन इनिशिएटिव्स और रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं, तो यहाँ पे हम देखते हैं ग्रीन हाइड्रोजन, रिन्यूएबल एनर्जी, सस्टेनेबिलिटी वाले प्रोजेक्ट्स और जो रिन्यूएबल एनर्जी के फाइनेंशियल्स है इनको फायदा मिलेगा। तो हमने देखा REC, PFC ऑलरेडी काफी चल चुके थे, इरेडा है, फिर बाकी सारे ये सब स्टॉक्स जो मैंने नाम दिया, टाटा पावर और ये सब है, सारे स्टॉक्स को फायदा, इन कंपनियों को फायदा हो सकता है। फार्मर सपोर्ट एंड एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इसमें एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स, एग्रोकेमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, वेयरहाउसिंग वाली कंपनियां, इन सबको फायदा मिलेगा। तो यहाँ पे भी बहुत सारी कंपनियां हैं जिनका नाम हमने दे रखा है, और काफी एक के बाद एक काफी स्टॉक्स इनमें से भी हमने पास्ट में टीवी पे रेकमेंड भी किया हुआ है। बट बार बार मैं कहता हूँ कि हमें कुछ ना कुछ कंप्लायंस के हिसाब से बार बार रेकमेंड कर किए हुए स्टॉक्स को रेकमेंड करते हैं, तो भी हम डिस्क्लेमर देंगे साथ में। अफोर्डेबल हाउसिंग और अर्बन डेवलपमेंट की अगर बात करते हैं, तो यहाँ पे जो 30 मिलियन न्यू हाउसेस, 30 मिलियन मतलब 3 करोड़ नए घर, यानी कि एक फैमिली से अगर 5 आदमी भी होते, 4 आदमी होते, तो एक बड़ी अच्छी खासी पॉपुलेशन को कैटर करेगी इंडिया ये स्कीम। तो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने के लिए, तो यहाँ पे हाउसिंग फाइनेंस, रियल एस्टेट, सीमेंट कंस्ट्रक्शन, इंटीरियर्स वाली कंपनियां, इंटीरियर इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनियां जैसे प्लाईवुड और ये सब, इन सबको फायदा मिलेगा। बहुत सारी कंपनियां, हुडको टू नेम अ फ्यू, और बाकी आवास, अंबुजा, ये सारी कंपनियां हैं। बट ये कोई भी रिकमेंडेशन मत मानिएगा इनको, ये हमने नाम इसलिए दिया कि एक आइडिया के हिसाब से, एग्जाम्पल्स ऑफ लिस्टेड कंपनीज, इसलिए हमने कैटेगोरिकली लिखा है, दे आर नॉट नेसेसरीली आर रिकमेंडेशंस। तो जॉब क्रिएशन थ्रू पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स, तो उसमें टेक्सटाइल्स, टूरिज्म, लेदर, कंस्ट्रक्शन, इंफ्रा, MSME, ये अभी थोड़ी देर पहले हमने बात भी की थी, तो यहाँ पे भी बहुत सारी कंपनियां जिनको फायदा मिलेगा। और होटल सेक्टर गजब का कर रहा है, हमने देखा भी किस तरीके से रिवेंज टूरिज्म अभी जो देखने को मिला पोस्ट कोरोना, तो होटल के स्टॉक्स गजब के किए हैं। एयरलाइंस वाले स्टॉक भी, एक कंपनी तो बहुत पर्टिकुलर अच्छी की, बाकी भले ही नहीं कर रहे हो, बाकी टेक्सटाइल्स वाले स्टॉक्स बढ़िया कर रहे हैं, कुछ कुछ अब आने वाले दिनों में करेंगे। हमने आज ही रिजल्ट देखा एक कंपनी का, जैसे कि नितिन स्पिनर्स है, बहुत गजब के क्वार्टरली रिजल्ट आए। मैं जब स्टूडियो के शो के ये रिकॉर्डिंग के लिए आ रहा था, तभी मैंने थोड़ी देर पहले सुना था। तो यही सब चीजें हैं, देखते हैं, फिंगर्स क्रॉस्ड। आई फील कि बजट अच्छा ही आएगा, और बजट एक बड़ा इवेंट है, उसके पहले मार्केट्स ने नर्वसनेस दिखाई थी लास्ट वीक भी। आज हालांकि निफ्टी बहुत ज्यादा तेजी मंदी नहीं दिखा रहा, बट एट द सेम टाइम मिड कैप, स्मॉल कैप्स में अच्छा बाउंस बैक है। जो फ्राइडे के दिन लूज किया M2M, वो काफी हद तक कवर होता हुआ दिख रहा है। बट अगेन कल एक बड़ा दिन है, कल 11 बजे से फिंगर्स क्रॉस किस तरीके के अनाउंसमेंट्स आते हैं। बट उम्मीद यही है कि ये इवेंट भी आया है वैसे ही चला जाएगा, वॉलेटिलिटी साथ में जरूर लाया, हमने देखा विक्स बढ़ा है, बट येट आई फील कि एक अच्छा बजट होना चाहिए, क्योंकि अच्छे अनाउंसमेंट्स आने चाहिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर पूरी फोकस है ही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बजट के बाद भी मार्केट में तेजी बनी रहेगी। अगर कोई भी करेक्शन आता है बजट में, कोई भी ऐसा अनाउंसमेंट आता है जिसको मार्केट लाइक नहीं करे, तो एक टेम्पररी मंदी होगी, वो टेम्पररी करेक्शन होगा, और दैट विल बी एन अपॉर्चुनिटी टू बाय स्टॉक्स। कई लोग साइडलाइन पर बैठे हुए हैं, एक बड़ा इवेंट है, उसके बाद कैश पे जो बैठे हुए लोग हैं वो लोग एंट्री लेने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए वापस से फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स जिनके रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, उन स्टॉक्स पे बिल्कुल बने रहना चाहिए, और उन स्टॉक्स की एक लिस्ट बनाए जहां पे भी करेक्शन आए उनमें एंट्री लेने की कोशिश कीजिएगा। बाकी हम पूरी कोशिश करेंगे, कल टीवी पे पूरा दिन हूँ, परसों हूँ मैं, #budgetonZee जो हम बोलते हैं, तो बजट स्टॉक एक्सचेंज में, तो वहां से बिल्कुल जो भी रेलेवेंट पिक्स आएंगी, जो भी अनाउंसमेंट आएंगे, उससे रेलेवेंट पिक्स मैं और हमारी टीम पूरी लगी हुई है हम शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच वंस अगेन, हैप्पी इन्वेस्टिंग।